सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल को, प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, जिससे हमारे आने वाले हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बताएंगे नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स एग्जाम में आधारित क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 16,25,400 अंकों में विस्तारित करो। तो हमें इसको अंकों में लिखना है। तो सबसे पहले हमको हम विस्तारित करके दिखा देंगे कैसे आपको अंकों में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया दिया गया है 16,25,400, तो हमें यहाँ विस्तारित से लिखना है। यहाँ पर लिख दिया पहले 16 लाख, क्योंकि आपका पहले अगर 16 लाख दिएगा, 16 लाख दिए, इसके बाद दिया हुआ 25,000, यहाँ पर हम 25,000 लिख दिए, फिर दिया हुआ 400, यहाँ पर हम 400 लिख दिए। तो यहाँ पर हम एक निकालेंगे का जीरो लिख दिए, जीरो यहाँ पर 4 रहेगा, यहाँ पर 5 पर 2 पर 6 उतार देंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका टोटल आ गया 16,25,400 को इस तरह से आप लिखेंगे। यानी कि हम विस्तारित में पूछेगा तो आपको इस तरह से विस्तारित में देखना है। आपका टोटल आ गया 16,25,400, आपका यही आ गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसी क्वेश्चन के ऊपर आधारित है, 32,16,365 को अंकों में लिखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 32 लाख लिख दिए अंकों में, उसके बाद 16,000 लिख दिए, जो कि यहाँ पर 16,000 है, फिर इसके बाद दिया 365, यहाँ पर 365 लिख दिए। अब यहाँ पर हम 5 उतार देंगे, 005, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 006, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 003, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 06 पर 6 आ जाएगा, पर 01 आ जाएगा, पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यानी 32,16,365 आपका ये अंकों में होगा विस्तारित से। तो आप इसी तरह बहुत ही साधारण से आप अंकों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग या 1 से 20 तक में सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। तो 1 से 20 तक में सम संख्याओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? यहाँ पर 10 होती है, यानी 1 से 20 तक में सम संख्याओं को की संख्या 10 होती है। तो प्रथम 10 संख्याओं का योग कितना होगा? 10 ब्रैकेट 10 प्लस 1, इसका मतलब यहाँ पर फार्मूला मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है, सूत्र देख लीजिए। प्रथम n संख्याओं का योग बराबर n ब्रैकेट n प्लस 1। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सूत्र, अब देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर गया है, 1 से 20 तक में सम संख्याओं की संख्या कितनी है? 10। तो यहाँ पर 10 लिख दिए, और यहाँ पर ब्रैकेट है, इसलिए ब्रैकेट 10 प्लस 1, और ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो 10 गुड़े आ जाएगा 11, 10 और 1 11 हो जाएगा। तो 10 और 11 को गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 110, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो बस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह आपको हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। तो इसी तरह वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपके लिए हेल्पफुल होएगा नवोदय विद्यालय रिलेटेड।